जो आज अपने पिता की जगह हमसे करेगा मुलाकात, हमसे करेगा बात, अंदाज वही सुरीला। लीजिए पेश है किशोर कुमार के बेटे सुमित कुमार। जोरदार तालियों से स्वागत है सुमित कुमार। तालियां और बजनी चाहिए, बहुत सारी तालियां बजनी चाहिए। वेलकम सुमित, धन्यवाद। प्यारे बंधु, खंडवा शहर के बाबा को प्यार करने वाले फिल्म संगीत प्रेमियों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, ओ मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, ओ मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे प्यारे प्यारियों, मेरे बत्ते बत्तियों, मेरे प्यारो प्यारियों, मेरे बत्ते बत्तियों, आप सबको गुरुदेव किशोर कुमार का छोटा सा सुपुत्र सुमित कुमार का प्यार भरा नमस्कार। अरे मैं जो यहाँ एफ माइनर आया हूँ, ये आप सबका प्यार है, मह दुलार है, मह सत्कार है। और अब ये ज्यादा वक्त ना लेते हुए सुमित कुमार गाने को तैयार है। मैं बहुत छोटा सा था, 4 साल का, शायद उससे भी छोटा, और साइड विंग्स पर मैं खड़ा होकर बाबा को देखता था। वो जब प्रोग्राम करते थे तो हर प्रोग्राम इसी गाने से शुरू होता था। फिर मेरे बड़े भैया अमित कुमार जी वो भी गाते हैं, और आज मैं वही गीत आपके सामने स्टेज पर मैंने गाया। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ, बहुत लकी समझता हूँ कि मैं उनका सुपुत्र हूँ। शायद पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसके वजह से इतना प्यार जो मुझे मिल रहा है ये सब उन्हीं के लिए है। आज 13 अक्टूबर, आप सब जानते हैं, बाबा हम सबको, बाबा यानी आपके किशोरदा हमको छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे लगता है वो यहीं हैं हमारे दिलों में, सबके मन में। मुझे कभी उनकी कमी महसूस होती नहीं है। आप लोगों का प्यार देखकर मुझे लगता है वो यहीं हैं, हम लोग को देख रहे हैं ऊपर से। जो कुछ भी मैं बाबा के बारे में सुना समझा वो मेरी माँ लीना जी और भैया अमित जी उनसे सुना, और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता था। जैसे मैं बड़ा होने लगा आस्ते आस्ते समझ आने लगा कि मैं बहुत कम उन्हें देख पाया। यहाँ क्राउड में आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने उनको मुझसे बहुत ज़्यादा देखा है, मैं इतना उनको देख नहीं पाया। मैं 5 साल का था जब वो चल बसे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार है, उनका आशीर्वाद है,